कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचिन पायलट का विरोध, चेतावनी और मांगों को शायद इग्नोर कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम अशोक गहलोत को बुलाया है। अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली में खड़गे से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक पायलट की मांगों से मल्लिकार्जुन नाराज हैं, इसलिए आलाकमान सचिन पायलट से मिलना नहीं चाहती और ना ही अब उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सचिन पायलट ने राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके 8 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ना तो अशोक गहलोत की कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही आलाकमान ने कुछ प्रतिक्रिया दी है। वहीं सचिन पायलट भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। आपको हम ये भी बता दें कि सचिन पायलट ने RPSC के पुनर्गठन, पेपर लीक पीड़ितों के मुआवजे और वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच की मांग की है, और ऐसा ना करने पर सचिन पायलट ने आलाकमान और अशोक गहलोत को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी ना तो अशोक गहलोत गंभीर दिख रहे हैं और ना ही आलाकमान। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सचिन पायलट की सभी मांगों को दरकिनार कर दिया है, इसलिए अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है। इधर राजस्थान दौरे पर आए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने भी सचिन पायलट की चेतावनियों को गलत बताया है। उन्होंने पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को भी अनुचित बताया और कहा कि इससे पार्टी के प्रति ठीक मैसेज नहीं गया है। बहरहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 24 मई को होने वाली खड़गे गहलोत की मीटिंग में सचिन पायलट पर कोई फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में 24, 25 और 26 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी राज्यों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान के नेता शामिल होंगे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तय हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।